Hey guys, welcome back to my channel और this is me Khushi। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली वुमन्स के लिए है और जैसे कि आपको पता है मैं वुमन्स हेल्थ और हाइजीन के ऊपर भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू करती रहती हूँ। तो स्पेशली आज मैंने एक और वीडियो जो है वुमन्स के लिए लाया है क्योंकि एक एज के बाद वुमन की बॉडी में जो है वाइटामिन्स और न्यूट्रिशंस की कमी आने लगती है, कैल्शियम की मात्रा भी कम होने लगती है, या फिर अगर आप कम उम्र में ही लाइक 20-21 साल में ही बहुत ज्यादा काम करके थक जाती हो, एनर्जेटिक फील नहीं करती हो, या आपके फेस जो है हमेशा डल डल दिखते हैं, या आपको आयरन की कमी है, ये एक सबसे बड़ी एनीमिया की प्रॉब्लम हमारे इंडिया में देखी गई है। तो आपको अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो में एंड तक बने रहना चाहिए। तो ये क्या चीज है और क्या हेल्प होने वाला है इससे आपको, तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ हेल्थ वेट के सेनविटेन वुमेन कैप्सूल के ऊपर। देखिए गाइस, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेल के कंपेयर में जो फीमेल्स होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है और बहुत ज्यादा काम करती है। लाइक मेल्स को जो है हफ्ते में एक दिन छुट्टी भी मिलती है, बट फीमेल्स जो है कंटिन्यूअस 365 डेज वर्क करती है और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत सारी होती है। उन्हें बच्चों को देखना होता है, कुकिंग करनी है, डस्टिंग, मॉपिंग, बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क, और दिन भर में जो है एक फीमेल बहुत सारी एक्टिविटीज करती है। साथ ही दूसरा पॉइंट मैं ये कहूंगी, अगर आप उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक में उनकी बॉडी में भी कई सारे चेंज आते हैं। बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में भी बहुत सारा फर्क आ जाता है। सो मेरा पॉइंट यही है कहने का, जैसे एक वुमन अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखती है वैसे आपको अपना खुद का ख्याल भी रखना चाहिए। आपकी एज जो है अभी छोटी है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करो क्योंकि ये चीज जो है आपको नहीं या तो आपकी मदर या तो ग्रैंड मदर को काम आ सकती है। क्योंकि ये जो हेल्थ विट की सेनविटेन वुमेन कैप्सूल है इसके बहुत सारे फायदे हैं, बेनिफिट है जो मैं आगे आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये आपके एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है, आपको बिल्कुल थकान महसूस होने नहीं देता है, आपके मेटाबॉलिज्म लेवल को भी बढ़ाता है, यानी कि आप जो भी खाते पीते हो वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपका खाना जो है फैट की जगह एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे आप बहुत ज्यादा फिट और हेल्दी महसूस करती हो। आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो ये एक बहुत अच्छा इसका पॉइंट है। आपके एपेटाइट को हेल्दी रखता है, अगर आपके पेट सबसे अच्छा है तो आपको स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, एक्ने, पिंपल, पिगमेंटेशन, मार्क्स, दाग धब्बे, ये कोई प्रॉब्लम आपके फेस पे बिल्कुल नहीं दिखेगी। साथ ही आपके पेट संबंधित गैस्ट्रिक है, ब्लोटिंग है, या खाना ना पचने की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होने नहीं देता है। लाइक ये चीजें जो है मैं बिल्कुल हवा में नहीं कह रही हूँ, मैंने जो है इसको अपनी मॉम के लिए भी मंगवाया था और मैं पर्सनली भी जो है इसका यूज कर रही हूँ। ये मेरी जो है फोर्थ बॉटल है गाइस, बट मुझे इसका रिजल्ट काफी ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगेन आपके साथ इस चीज को शेयर करूँ, क्योंकि इस समय जो है हमारी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे काम ये इसीलिए करती है क्योंकि ये मल्टी विटामिन टेबलेट है और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारे ही विटामिंस मिल जाएंगे। मैं स्क्रीन पे लिस्ट लगा दूंगी इसमें कौन कौन से विटामिंस है, विटामिन सी, B3, E, B5, B6, B1, B2, A, B9, K, B7, D, B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सिलिकॉन, मैंगनीज, कॉपर, आयोडीन, क्रोमियम एंड सीरियम, सारे ही मल्टी मिनरल्स और मल्टी विटामिंस आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि यू नो आप रेगुलर डेज में इतना अच्छा खाना पीना ऑब्वियसली नहीं खा पाते हो, ना ही उतने अच्छे फ्रूट्स लेते हो, ना ही उतने अच्छे वेजिटेबल्स खाते हो, ना आपकी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी होती है, सभी की वजह से भी आपकी सेहत पे इसके साइड इफेक्ट पड़ सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली इस कैप्सूल को ट्राई करना चाहिए। इसके अंदर जो है आपको 60 कैप्सूल्स रिसीव होती है जिसका रेट है ₹550।
बहुत ज्यादा रिजनेबल है और हेल्थ विट के जो कैप्सूल्स है ये मल्टीविटामिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप एटलीस्ट एक बार एक बॉटल लेके ट्राई करना, आपको अपने अंदर फर्क खुद नजर आएगा। और इसको खाने का तरीका बताऊं तो आपको जो है दिन में सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद एक कैप्सूल को खाना है। आप मिल्क या तो पानी के साथ इसको यूज कर सकते हो। सो यस गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको पता ही है क्या करना है। इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रिव्यूज देखने के लिए आप जो है मेरी चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।